हेलो फ्रेंड, मैं शशि सर फ्रॉम शशि मैथमेटिक्स सीतामढ़ी मथुरा स्कूल के पास रेजिंग सर्किल वाली गली में। आप कल होमवर्क दे दिए थे मॉडुलस फंक्शन का और आज उसका हम सोल्व करा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हम लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये y बराबर x माइनस x प्लस वन का मॉड, ये इसका ब्रेक करना। सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, नंबर लाइन पे बैठाते हैं। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, बाहर आते हैं। तो चलिए x का मान निकालिए। x का मान आप निकाल लिए। हाँ, आप इसके लिए पिछला वीडियो जरूर देखें तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट अगर समझ में आ गया तभी ये समझ में आएगा, इसलिए पहले पार्ट देखिए तब इसके बाद। अब आज ये दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते थे, नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट करते थे। नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट करते थे, नहीं होगा यहाँ पे फ्रंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए एक्स का मान माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, फाड़ाते हैं, फाड़ा कीजिए। सिमिलरली और ये हो गया आपके पास, ये हो गया वाई बराबर इधर माइनस वन से बड़ा डाले। जब ही माइनस वन से बड़ा डालिएगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। और माइनस वन से आप छोटा डालते हैं तो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा। देखो माइनस वन से माइनस टू डालो, माइनस टू और प्लस वन नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो कैसे करेंगे, एक और माइनस लगा करके निकाल लीजिए। एक और माइनस लगा दीजिए, क्या है देख लीजिए, पहले से तो एक्स प्लस वन है और एक और माइनस लगा देंगे तो ये मेरा फुलफिल ग्राफ हो गया। सिमिलरली उसी तरह दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। अब जल्दी जल्दी बना रहे हैं, वही तीन वो स्टेप करते हैं। सबसे पहले एक्स का मान निकालते हैं, दूसरा स्टेप नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, तीसरा स्टेप फहराते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो मैं बात कर ले, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, वाई बराबर माइनस एक्स प्लस थ्री, ये है। क्या करते हैं, एक्स का मान निकाले। चलिए एक्स का मान कितना आ गया, मतलब x का मान तीन आ गया, आ गया तीन। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन पर, सही जवाब। चलिए नंबर लाइन पे बैठा दिए, नंबर लाइन पे पॉजिटिव x आया यहाँ पर। और तीसरा स्टेप क्या करते हैं, फहराते हैं। चलिए फहरा दीजिए, तीन से बड़ा के लिए डालिए, इसमें तीन से बड़ा डालिए, चार डाल तो माइनस चार और प्लस तीन कितना है, पॉजिटिव या अंतर वाला वैल्यू पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। कैसे निकालेंगे, एक और सॉरी नेगेटिव आएगा, माइनस चार चार डालिए तो माइनस चार प्लस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो एक और माइनस करा करके बाहर निकाल दीजिए। तो पहले से मेरे पास एक्स प्लस तीन है और एक और माइनस लगा दीजिए, यही मेरे पास क्या हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, आप तीन से छोटा डालिए, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास क्या है, y बराबर 2x प्लस 3, x का मान निकाल लिया, x का मान माइनस 3y2 आया। क्या करेंगे, नंबर लाइन पर बैठाए, माइनस 3y2,0 और तीसरा स्टेप बाहर आ गया, बन गया इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, एक बार माइनस 3/2 से बड़ा रखिए, पॉजिटिव आएगा, डायरेक्ट निकल गया। और माइनस 3/2 से छोटा रखिए, नेगेटिव आएगा, एक और माइनस लगा करके, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, देख लीजिए जगह का अभाव है, इसलिए देख लीजिए जगह का थोड़ा हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन है मेरे पास, y बराबर कितना है, 7x माइनस 14, तो x का मान निकालते हैं, ये आपके पास आ गया 2 आ गया। क्या करते हैं, दूसरा स्टेप नंबर लाइन पे बैठाते हैं, बैठा दिए,
तीसरा स्टेप क्या करते हैं, फहराते हैं, फहराती है, नाम लिखना है। तो दो से बड़ा डालो, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, देख लो डालो दो, जहां जहां एक से वहां वहां दो डालो, पॉजिटिव आएगा, डायरेक्ट निकल गया, क्या हो गया, डायरेक्ट निकल गया। लेकिन दो से जब ये छोटा डालोगे तो नेगेटिव आएगा, कैसे निकलेगा, एक और माइनस लगा करके निकलेगा। समझ में आ गया बात, इतना आ गया। अब हम लोग देखेंगे आगे पांचवा, पांचवा क्या है, वाई बराबर टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन। तो हम लोग देख लेते हैं टू एक्स माइनस वन, एक्स का मान निकालते हैं, जब ही एक्स का मान निकाले हैं कितना आया, वन बाई टू, नंबर लाइन पे कोई ठाएंगे, वन बाई टू आ गया आपके पास। यहाँ तीसरा स्टेप क्या करते हैं, फहरा देते हैं, दो आ गया, एक बारी माइनस वन बाई टू से बड़ा, माइनस वन बाई टू से बड़ा हो जाएगा, अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, देख लीजिए निकाल लीजिए अंदर वाला वैल्यू, ये इसको देखने के लिए आप पहला वीडियो देखिए, आप समझ में आ जाएगा। वाई बराबर टू एक्स माइनस वन, माइनस लगा करके बाहर निकाल देंगे, तो हो गया ये मेरा होमवर्क खत्म। अब हम लोग आते हैं, अब जो ब्रेक करना सीख गए, किस मोड का, सिंगल मोड का ब्रेक करना सीख गए, अब हम लोग आते हैं क्या चीज, उसका ग्राफ के बारे में बात करते हैं। होमवर्क खत्म हो गया पिछले क्लास का, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफ की, बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं, ग्राफ की बात कर लेते हैं, किसका ग्राफ, y बराबर मॉड x का ग्राफ, y बराबर मॉड x का ग्राफ की हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे कैसे ये ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे y ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x, ये पहले ही बतला चुके हैं, पहले तो ब्रेक करने आना चाहिए, ब्रेक करने आना चाहिए, तो इसको ब्रेक किए हैं दो भाग में, एक बारी जब x पॉजिटिव हो तब और x नेगेटिव हो तब, ये आप पहले की वीडियो में ये बतला चुके हुए हैं। तो x का मान पॉजिटिव होगा डायरेक्ट निकल जाएगा, नेगेटिव होगा एक और माइनस लगा के निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये हम अच्छा से लिख लें, तो ये क्या आया है, देख लीजिए इधर ये आया है आपके पास y बराबर माइनस एक्स आया है, क्या आया है, y बराबर माइनस एक्स, कब आया है, जब x का मान नेगेटिव हो तब, और एक आया है y बराबर प्लस एक्स आया है, कब, जब x का मान पॉजिटिव हो तब। पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं, दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो किसका ग्राफ बन जाएगा, मॉड x का ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए किसी भी ग्राफ बनाना हो, कोई भी ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले हमको मिनिमम कितना पॉइंट की आवश्यकता होती है, दो पॉइंट की। तो पुट करो x बराबर, सबसे पहले हम लोग जीरो पुट किए, तो क्या आया, y भी जीरो आया, मतलब जीरो कॉमा जीरो किससे पास हुआ, ऑरिजिन से पास हुआ, किससे पास हुआ, ऑरिजिन से पास हुआ। दूसरा अब हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x बराबर वन पुट किया, y का मान भी कितना आया, वन आया, माइनस वन आएगा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, वन कॉमा माइनस वन, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ जगह कम है क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, अब हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, जब ही हम लोग डायग्राम बना लेंगे, जब डायग्राम बना लेंगे तो देखिए देख लीजिए थोड़ा इसमें, यह आ गया कितना, जीरो कॉमा जीरो, और ये आ गया कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ नीचे नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, चलिए चलिए दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया कितना, वन कॉमा माइनस वन। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला करके स्केल रखेंगे और दोनों को मिला दो, ये आपके ग्राफ आ गया, ये बन गया। अब हमको ध्यान से देखिए ये ग्राफ किसके लिए बनाना था, केवल नेगेटिव के लिए बनाना था, मतलब x का मान नेगेटिव, जब x का मान नेगेटिव हो तब। उसी तरह हम लोग बात करेंगे किसकी बात, y बराबर x की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, y बराबर x की बात करेंगे। चलिए y बराबर x की, वही जो आप सब दिन से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, कि कोई भी लीनियर फंक्शन हो उसका ग्राफ हमको बनाना हो तो सिंपल सी बात है, कितना पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, मिनिमम दो पॉइंट लेते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, क्या पुट कीजिएगा सर, जीरो पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा निकालना आसान होता है। तो x का मान जीरो पुट किए, जब ये जीरो पुट किए तो y का मान कितना आ गया, जीरो जीरो, ये क्या हो गया, x भी जीरो y भी जीरो, मतलब किससे पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा।
ऑरिजिन से पास करेगा। देखो इधर करिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान वन पुट किए, जब ये वन पुट किए वाई का मान भी वन, मतलब एक्सो कोऑर्डिनेट वन और वाईओ कोऑर्डिनेट वन, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव वाईओ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब दोनों क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, सही समझा, दोनों पॉजिटिव हो गया। बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सीधे क्यों लिख दे रहे हैं, देखो दोस्त क्वाड्रेंट क्योंकि सीधे लिख दे रहे हैं, ठीक है आप समझ रहे हैं, इतना है। तो डायग्राम बनाते हैं, तो कैसे डायग्राम बनाएंगे, देख लीजिए ये हम लोग एक्स एक्सिस, ये हम लोग वाई एक्सिस, दो पॉइंट लेना है, एक पॉइंट जीरो जीरो ये मेरे पास यहां आ गया जीरो कॉमा जीरो, एक पॉइंट और लेना है वन कॉमा वन, ये कहां पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास ये हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और ऐसे करके मिला देंगे, क्या करेंगे ऐसे करके मिला देंगे, जब ये हो गया वन कॉमा वन, अब क्या हो गया, ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। लेकिन दोस्त बतलाओ क्या ये फुलफिल है, हाँ तुम समझ गए, तुमने नहीं सही बात बोली, ये फुलफिल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि केवल किसने बनाना है, एक्स का मान पॉजिटिव वाला किस्म बनाना है, आप तो सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बना दिया, हाँ तो क्या करेंगे, ये हो गया एक्स किधर होता है पॉजिटिव, राइट साइड में, एक्स नेगेटिव किधर होता है लेफ्ट साइड में, किधर बनाना है पॉजिटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड को क्या करेंगे मिटा देंगे, चलिए खुश हो गया ना, खुश, चलिए क्या हो गया, हमको ये ग्राफ बना लिए वाई बराबर माइनस एक्स, कब जब नेगेटिव हो तब, y बराबर x कब जब x पॉजिटिव हो तब, तो क्या दोनों ग्राफ बन गया, हाँ बन गया, ये दोनों कहां से आया है, इसी दूर मोड को ब्रेक किए हैं, तो दो वैल्यू आया है, एक x आया है और एक माइनस x आया है, कब माइनस x आया है, x जब नेगेटिव है तो माइनस x आया है, x जब पॉजिटिव है तो प्लस x आया है, ये कैसे आया है इसको समझने के लिए आप लेक्चर नंबर वन में आप इसको देख ले कैसे ब्रेक करते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। चलिए तो ये ग्राफ बन गया, तो इस दोनों को ग्राफ को जोड़ देंगे, अगर इस दोनों फंक्शन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मॉड बन जाएगा, मॉड एक्स बन जाएगा, तो दोनों को हम जोड़ना शुरू करते हैं, देखो दोस्त इधर दोनों को जोड़ना शुरू करते हैं, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, अब हम लोग देख लीजिए यहां से, तो इधर हो गया x पॉजिटिव, इधर क्या हो गया x पॉजिटिव, इधर क्या हो गया x नेगेटिव, अगर ये ना लिखे, ज्यादा लिखने से क्या होगा थोड़ा भूल भूल हो जाएगा, ठीक है तो ना लिखे, आप समझ रहे हैं, इतना आप समझ रहे हैं कि y एक्सिस को राइट हैंड साइड जो होता है x पॉजिटिव होता है, और y एक्सिस को लेफ्ट हैंड साइड जो होता है x नेगेटिव होता है, तो सिंपल सी देख लेते हैं, बढ़िए x का मान पॉजिटिव में, x का मान ये हो पॉजिटिव, इसमें ग्राफ कैसा आया, इधर आया सीधा ऐसे, ये सही में देखने में लग रहा है ना सीधा, चलो अब देख लीजिए, ये बोला देखो x का मान नेगेटिव, x का मान नेगेटिव में कैसे आया है, x का मान नेगेटिव, तो क्या दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, दोनों को जोड़ दिए, इसको और इसको जोड़ दिए तो मिल गया क्या, ये मिल गया, तो ये हो गया आपके पास जीरो कॉमा जीरो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इसका नाम क्या है भाई साहब, इसका नाम क्या है, जब एक्स पॉजिटिव हो तो इसका नाम कहां गया, कहां गया, नहीं देखो यार एक्स पॉजिटिव हो तो इसका नाम क्या चीज, वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स, और x नेगेटिव हो तो इसका नाम क्या है, y बराबर माइनस एक्स, और ये पहले लेक्चर में बता चुके हैं, अगर आपके पास तोड़ना हो तो सिंपल सी बहुत ही साधारण बात में है कि x का मान इधर पॉजिटिव हो गया डायरेक्ट निकाल देंगे, x का मान नेगेटिव हो गया एक और माइनस लगा करके निकाल देंगे, तो ये हुआ मेरे पास मॉड का y बराबर मॉड x का ग्राफ हुआ, ये किसका ग्राफ हुआ, y बराबर मॉड x का ग्राफ हो गया। अब देख लो, अब हम इतना नहीं करने जाएंगे, अब हम इसको क्या करें, अब इतना नहीं करने जाएंगे, इसको हम बनाने के लिए बस 20 सेकेंड काफी है, कोई भी ग्राफ बनाना हो मॉड का 20 से 25 सेकेंड बना देंगे, बस इतना नहीं करने जाएंगे। अब देख लो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यही से हम बतला दे रहे हैं,
यहां से y बराबर x माइनस b, a का मान क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखो हम इतना नहीं कर रहे, बस अपना स्टेप लिखा दे रहे हैं, मेथड लिखा दे रहे हैं। अगर उस मेथड को तुम फॉलो करो और वहां से बस काफी है, 20 से 25 सेकंड काफी है। पहला स्टेप क्या करना है, देखो भाई साहब, पहला स्टेप जो है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, एक्स का फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं दिखाई दे रहा है इधर, चलिए इधर देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, पहला स्टेप। ये बहुत अभी तक जो पढ़ा है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये, और इसी से हम सारा क्वेश्चन इसी पर बनाएंगे। चलिए दूसरा स्टेप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे। तीसरा स्टेप फहराना है, ये क्या होता है फहराना, देखो ऐसे ऐसे देखो, ये देखो पूरा फुलफिल कर रहा है। पहला स्टेप क्या करना है, एक्स का मान निकालो, निकालो मान, एक्स का मान, ये जो मॉडल है, एक्स का मान निकालो, अंदर वाला वैल्यू जीरो, क्या आया, जीरो आ गया। क्या करना है दूसरा स्टेप, नंबर लाइन पर बैठाना है, खोजो एक्स बराबर जीरो कहां पर आया, यहां पर आ गया, हो गया। इसके बाद क्या करना, फहराना, फहराने का मतलब हो गया, बन गया। तो देखो कितना, मतलब ये तीन पॉइंट याद रखोगे कोई भी ग्राफ हो, ये कैसे आया है हम पहले बेसिक बतला दिए हैं, अब बस ये याद रखना है। इस पर हम पांच क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अभी बना देंगे पांच क्वेश्चन आप लोग के लिए, घर से बना के लाइएगा, तो हम लोग बस उतार लीजिए इसको, चलिए उतर गया, आइए हम लोग आते हैं अब इस पर। और नहीं तो आपके पास है, अगर ये नहीं है तो जिस तरह इसमें ब्रेक किए हैं, फिर अलग अलग टाइप बनाए हैं, फिर अलग अलग केस बना करके फिर जोड़े हैं, वैसे करो, वो तो बेसिक है। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, अभी जो बतलाए हैं वो, तो सर एक दो क्वेश्चन कर देते हैं, एकदम कीजिए। चलिए क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर, हम लोग ले लेते हैं x माइनस वन, देखो ये x माइनस वन है, मॉड से हर कोई को डर लगता है, जब ये मॉड आता है ना तो पता नहीं चलता है कि ये क्या है, ये भी एक फंक्शन ही है, मॉड एक ऐसा फंक्शन, इसके बारे में पहले बता चुके हैं, मॉड एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कुछ भी डालो देगा कभी पॉजिटिव ही देगा। और देखो ना डायग्राम में बड़ा अच्छा, इसका डायग्राम तुम देखोगे तो कभी भी ये नीचा नहीं आएगा, क्यों नहीं नीचा आएगा, क्योंकि y का वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव दे ही नहीं सकता, क्यों नहीं देगा, क्योंकि मोड एक ऐसा मशीन है जिसमें कुछ भी डालोगे देगा क्या चीज, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। और देख लीजिए ना यहां पर, देखो y का मान ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी डायग्राम इसमें बनेगा हमेशा ऊपर ही बनेगा, नीचा नहीं बनेगा। सर क्या नीचा नहीं बनेगा, लेकिन कुछ कुछ नहीं, हम ये कह रहे कि y का मान अगर इसमें माइनस लगा दो तो अलग बात है, टाइप बाई टाइप करेंगे, लेकिन यहां पर सिंगल मोड की बात कर रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। चलिए हम लोग ये बात करें, अब इसका डायग्राम अभी देखिए ना, y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कितना देर में बना है, कम से कम एक पेज ले लेगा, y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ अभी हम एक पेज में बना है, लेकिन अभी देखिए ये इस ग्राफ को हमको बनाने में 20 सेकंड काफी है। चलिए सबसे पहला स्टेप देखो ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकाल, चलिए एक्स का मान निकाल, कितना आया, 1 आया सर, अच्छा 1 आ गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पर तो सब दिन से करते आया है नंबर लाइन पे, तो चलो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किधर आ गया x बराबर 1, किधर आएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव में, इसीलिए हम पहला लेक्चर में ये सारा चीज बतला दिए हैं, ये कहां पे आएगा, ये सारा चीज पहले ही लेक्चर में बतला चुके हैं। तो चलिए x का मान 1 कहां पर आएगा, यहां पे आएगा 1.0, 1.0। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे बोलो, ये स्टेप थोड़ा समझ लीजिए, ये स्टेप क्या है, फहराना, फहराना, फहराने का मतलब एस, देखो ये फहरा दिया, देखो तो क्या टाइम लगा, नहीं लगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा सर, लेकिन थोड़ा नाम लिखने में हमको प्रॉब्लम होता है, नाम क्या है, इसका नाम और इसका नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्त, फर्स्ट लेक्चर देख लो ये क्या कह रहा है, एक से बढ़कर, तो एक से बढ़कर तो हम जानते हैं मोड कैसे ब्रेक होता है, खाली पॉजिटिव नेगेटिव देखने आना चाहिए, जब एक पे ब्रेक किया है, देखो ये स्टेशन पॉइंट है, एक तरह से कहोगे ये क्या है, स्टेशन पॉइंट है, इधर भी जाना है उधर भी जाना है,
इधर जाओगे तो अलग ग्राफ, इधर जाओगे तो अलग ग्राफ, इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या आएगा देखो, एक से बड़का, ये फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, एक से बड़का इन्हें डालो, अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव तो पॉजिटिव, एक से बड़का दो रखो, तीन रखो, चार रखो, पांच रखो, छह रखो, रखते चले जाओ। तो जब ये दो रखोगे तो दो माइनस वन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। तो मोड क्या करता है, मोड एक ऐसा मशीन है जो अगर कहीं पर पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट हट जाता है, अगर अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या करेगा, एक और माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मोड जो होता है पॉजिटिव होता है, तो पहले से एक नेगेटिव, एक और नेगेटिव लगा दोगे तब ना भाई पॉजिटिव आए। हाँ, तो देख लीजिए, ये एक से इधर का ही रखिए, जब ये एक से बड़का रखिएगा तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब डायरेक्ट निकल जाएगा ये, और इससे शायद जान पहचान है, ये तो सदियों से जान पहचान है, कब से, टेंथ से ही जानते हैं। ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का कैसा ग्राफ होता है, सीधा सीधी होता है, क्या होता है, सीधा सीधी होता है, और है भी देखो सीधा सीधी है लेकिन पूरा में नहीं है, क्यों, क्योंकि मोड है यार। चलिए अब देख ले तो ये वाला, ये वाला एक से छोटा का, एक से छोटा रखो तो कुछ भी रखो तो जीरो रखो, हम थोड़ा ऐसा चीज रखें जो जल्दी से आसानी से निकल जाए, जीरो रखें तो जीरो रखने से क्या होगा, माइनस वन, बोलो अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, जब ये नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, एक और माइनस लगा देंगे, जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, एक बस हो गया। तो ये हो गया मॉड का ब्रेक करना। हाँ, एक बात और बतला दे रहे हैं, ये आपके पास मॉडुलस जो बेसिक बतलाए हैं ये आपके पास यहां ही नहीं काम करेगा, कहीं भी हो कंसेप्ट यही रहेगा, वहीं पे ब्रेक करते हैं जहां पे अंदर वाला वैल्यू जीरो होता है, कहीं पे हो। और बहुत सारा ट्रिकोनोमेट्री बतलाएंगे, देखेंगे साइनेक्स में जब मॉड लगा देते हैं तब कैसे ब्रेक करेंगे, कंसेप्टवा वही रहेगा, क्या रहेगा कि अंदर वाला वैल्यू को जीरो करो, जहां जहां वो जीरो होगा वहां वहां ब्रेक होगा, जितने बार जीरो आएगा उतना पार्ट में ब्रेक होगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं। ब्रेक करने के लिए दो कंडीशन, क्या कंडीशन, एक्स का मान निकालो फिर देखो किधर पॉजिटिव होता है किधर नेगेटिव होता है, जिधर पॉजिटिव निकल गया जिधर नेगेटिव माइनस लगा के निकाल दो। तो ये मेरे पास ग्राफ, अब तो हम स्पीड भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा सकते हैं, देख लो धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। अब देख लो जैसे हमको ये वाला बात कर लेते हैं, x 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इसका ग्राफ बनना है, बन जाएगा, बन जाएगा, हाँ आसान है, एकदम आसान है। चलो फिर भी बता देते हैं, हम फिर भी ये बता देते क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या, x का मान निकालते हैं, हाँ x का मान निकालते हैं, चलो x का मान निकालो, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 बाय 2, क्या करेंगे दूसरा स्टेप, वही नंबर लाइन पे फहराएंगे, फहराने तो सबको आता है यार, फहराने थोड़ा ऊपर थोड़ा लिख रहे हैं हम, फहराने को सबको आना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, माइनस 1 बाय 2, बहुत आसान है, बहुत आसान है, माइनस 1 बाय 2 कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, फहराने पे देखो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, बहुत ही, और इसी को आप पहले बहुत डरते हुए, जब ये मॉड आ गया तो क्वेश्चन देख के भाग जाते हो, अच्छा छोड़ हटाओ मॉड है, तो मॉड ये नहीं, आपके पास फिजिक्स में भी आएगा, उसमें भी यूज करवाएगा, हर जगह यूज करवाएगा, शायद इसका नाम आप लोग आप जान सकते हैं। बोलो माइनस 1 बाई 2 से बड़का ही में डालो, तो माइनस 1 बाई 2 से बड़का सर कितना आएगा पता नहीं चल रहा है, माइनस 1 बाई 2 नहीं पता चल रहा, अरे ये डाटा जो है ना आप अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो 0.5 कर दो ना, 0.5 कर दो ना, तो 0.5 से बड़का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, चलिए 1 डालते हैं, जब ये 1 डालेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए डायरेक्ट निकल जाता है, ये पहले लेक्चर देख लेना, ये कैसे आता है ये पहले लेक्चर देख लेना, उसमें ब्रेक करना सिखा चुके हैं। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, इधर का ही देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये वाई बराबर इधर का ही देख लीजिए माइनस लगा देंगे, क्यों, क्यों रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस 1 बाई 2 से जब ये आप छोटा रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के लिए एक और लगा देते हैं, तो शायद आप लोग समझ गए होइएगा। ग्राफ करने का होमवर्क छोड़ दो, अब हम लोग आते हैं थोड़ा एचडब्ल्यू दे देते हैं, शायद बन गया होगा, एचडब्ल्यू 5 को दे दे रहे हैं, कल होमवर्क करके ले जाइएगा, क्या है एचडब्ल्यू से बतला दे रहे हैं, हम अगले लेक्चर में जब तीसरा लेक्चर लेके आएंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे,
सबसे पहले ये तीसरा लेक्चर में ये क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, इसके बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे इसके आगे। तो देख लेते हैं वाई बराबर थ्री एक्स, जानते हैं ये बड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाना है। दूसरा क्या बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई बराबर, और क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स माइनस सिक्स। तीसरा वाई बराबर टू एक्स प्लस वन। चौथा वाई बराबर माइनस एक्स प्लस थ्री। पांचवा वाई बराबर सिक्स एक्स प्लस सेवन। देखो पता है एक दो तीन चार पांच, पांच क्वेश्चन है आपके पास, पांच क्वेश्चन है और पांच क्वेश्चन को आपको अगर बनाने का 20 गुने पांच मतलब कितना हो जाएगा, 100 सेकंड काफी है, 100 सेकंड बन जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर आप पूरा थ्योरी के साथ बनाइएगा तो इसी क्वेश्चन को बनाने में आपके पास पांच पेज खर्च होगा। और यही क्वेश्चन आपके पास जो तीन चीज होता है, पहला एक्स का मान निकालो, दूसरा नंबर लाइन पे बैठाओ और तीसरा जो है फहराओ। तो चलिए ये खत्म हो गया। अब इसी का यूज करके देखो, अब ये पता हो गया, अब इसी का यूज करके इक्वेशन बनाते हैं। ये इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन क्या होता है, देखो जैसे क्या होता है कि कहीं पर ये लिखा है, आप इतना तो थोड़ा बहुत आ जाते थोड़ा, ये बी एक्स प्लस, जानते हो ये क्या है, पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल है। और इसी में अगर आप जीरो लगा देंगे तो इक्वेशन बन जाता है, ये बात जीरो नहीं, ऐसा बात नहीं कि जीरो ही लगा देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, हो गया बराबर, हो गया इक्वेशन हो गया, बस साधारण भाषा में। तो इसका मतलब अब हम ये सही, ठीक है चलिए अब हम लोग आते हैं। तो इक्वेशन के बारे में शायद आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसी का हम इक्वेशन बनाते हैं अब तब सोल्व करते हैं। ये तो सबको आता होगा सोल्व करना, ये हम थोड़ा एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे नहीं हम बनाएंगे नहीं क्वेश्चन, ये हम आप लोगों को दे रहे हैं ऐसे ही, जैसे 5x प्लस 6 बराबर 6, यही इक्वेशन हो गया, सोल्व करना हो गया, सोल्व करने आता है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे मॉल की बात करेंगे। इसी में अगर हम ये लगा दें एक्स माइनस 2 बराबर, जानते हो ये भी इक्वेशन भी है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये कौन सा इक्वेशन है, मॉडुलस में इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, जैसे भी आप जानते हैं बहुत सारा तरीका होता है, और ये आपके पास अभी हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन करा रहे हैं क्या सॉल्व, देखो एक कंसेप्ट पढ़े हो उस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। पहला सॉल्व क्या करना है, मॉड एक्स माइनस थ्री बराबर हम लोग टू कर दोस्त। एक और क्वेश्चन इसी के साथ हम ले चलेंगे, मॉड एक्स माइनस थ्री बराबर माइनस टू करते हैं, माइनस टू करते हैं, दोनों क्वेश्चन मेथड बतलाएंगे और दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बतलाएंगे। जान तो इसका क्या सोल्यूशन आएगा, आप लोग को देख के ही बता दीजिएगा क्या सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। क्यों, क्योंकि मॉड कभी भी माइनस टू नहीं देता है, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं देता है। तू अभी तक यह पढ़ रहा है कि मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, और हम आप इसको दिखाएंगे, ग्राफ से दिखाएंगे कैसे नहीं देता है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग बतलाएंगे कैसे नहीं देता है। क्योंकि देख लो ये क्या है, मॉड कभी भी नेगेटिव देता है नहीं, अब तू कह रहा है कि मॉड का वैल्यू माइनस टू, वो तो कभी संभव ही नहीं है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सो समझाता है, इसमें पुट करो, कोई एक्स का वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे ओ ये इसका हल होगा, ये इसका सलूशन होगा। तो हम लोग इसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं हो आज तक बना है जो इसमें डालो और माइनस टू दे देगा, डालते रहो कभी भी नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उस पर काम ही नहीं करता है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है। जिस तरह हम लोग बात कर ले, अगर हम गेहूं पीसने वाला मशीन की बात कर ले, अगर हम उसमें हम बात करेंगे क्या चीज कि आप अनाज डालें कुछ भी डालें, लेकिन आप सोचिएगा क्या चीज पत्थर निकले, क्या निकलेगा, नहीं, क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है,
क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है। इसी तरह मोड का रेंज में जो है माइनस टू कभी नहीं आ सकता, वो जीरो से कभी भी पॉजिटिव, वन आ सकता टू आ सकता पॉजिटिव आएगा। तो चलिए इसका हम दोनों तीनों तीन मेथड बताएंगे, इसका भी तीन मेथड। सबसे पहला मेथड हम बात कर लेते हैं, चलिए पहला मेथड क्या है। पहला मेथड आप सभी आदमी जानते भी होइएगा। चलिए मोड को कैसे ब्रेक करते हैं, एक बारी प्लस एक बारी माइनस, तो चलो कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। सर लेकिन ये कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है कि प्लस माइनस आप बोल रहे हैं तो इसलिए टू में प्लस माइनस कहे लगा रहे हैं, लगाना तो चाहिए आपको इधर करें, क्योंकि अभी हम फर्दर पहले पढ़े कि एक पहले प्लस किया था। देखो दोस्तों इसमें लगाओगे बेकार मतलब का टाइम लगेगा, इससे उधर करी भेद हम जानते इधर करी आएगा तो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं, इसलिए जल्दी साइन बनाने के लिए हम ये करते हैं। तो कभी भी मोड का आज के बाद मोड को ब्रेक करना हो तो क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस माइनस कर देंगे। ये सबसे और ये फेमस मेथड है और ये सब आदमी जानता है। चलिए ये मेथड की हम बात कर लेते हैं, एक्स का मान कितना आ गया तीन प्लस माइनस दो, क्या आ गया एक्स का मान तीन प्लस दो और तीन माइनस दो। देखो और भी लिखना एक लिखा जाता है, और ही लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि एंड भूल के भी मत देना, एंड और या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। चलो तो ये हो गया आपके पास कितना आ गया, यहां पर आ गया पांच और यहां पर कितना आ गया वन, तो बोलो एक्स का मान कितना कितना आ गया, पांच आ गया और वन आ गया, मत तो कितना आ गया टू। तो देखा जब हम प्लस पांच भी रखे हैं और वन भी रखे हैं दोनों संतुष्ट कर रहा है, मतलब यही दोनों सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा कुछ भी डालते रहो, इसके अलावा कुछ भी डालते रहो इसमें नहीं हो सकता, बराबर नहीं होगा, एकदम बराबर नहीं होगा। तो हम लोग देख लिए इसका सॉल्यूशन दिया। चलिए दूसरा मेथड जो ज्योमेट्रिकल मेथड, देखो कहिएगा ये सब मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड अपने जगह पर इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बात है कोई मेथड इसमें आसान लगेगा कोई मेथड इसमें टफ लगेगा, लेकिन तीनों का अपना अपना जगह पे महत्व है। इस तरह इसमें जो है इस मेथड की हम बात कर लेते हैं, इस मेथड की, तो इस मेथड लगता है आसान लेकिन बन जाएगा सारा क्वेश्चन, लेकिन ये मेथड ये भी अभी थोड़ा टफ लगेगा लेकिन धीरे धीरे करोगे आसान हो जाएगा, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी में हम बतलाएंगे कि देखोगे कि बहुत सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसके इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मात्र एक एक लाइन में सोल्व कर देंगे, तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये मेथड हम बता रहे हैं, मेथड टू हम लोग कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। देखो दोस्तों ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है, हम इसको आप ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं। अच्छा ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं तो ज्योमेट्री में क्या आता है, वही डिस्टेंस डिस्टेंस यही आता है। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि ये बताओ कि जो ये होता है दूरी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा सर ये भी वैसे पॉजिटिव होता है ना, मतलब मोड का रिलेशन कहीं ना कहीं दूरी से है, और इस मोड भी पॉजिटिव और दूरी भी पॉजिटिव, मतलब मोड को हम लोग दूरी से रिलेटेड कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आप चलना शुरू करते थे तो कहां से चलना शुरू करते हैं, जहां पे आप स्थिर हो जाए, हम लोग अगर मैथमेटिकल भाषा में बात करते हैं तो हम लोग जो कहेंगे चलेंगे वो और जैसे चलेंगे, हम लोग मैथमेटिकल भाषा में बात करेंगे। लेकिन तो चलिए हम लोग सबसे पहले वहां हम बात कर लेते हैं जहां पे ये जीरो हो जाए। देख लो यहां पर एक्स माइनस थ्री बराबर कितना गया माइनस टू, तो इसमें डाल एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो कितना गया जीरो, मतलब इसका मूल बिंदु कहां पर है तीन पे, आप तीन डालोगे ना तब जीरो आएगा, क्या डालोगे तीन डालोगे तब जीरो आएगा। थोड़ा देखिए तो दिखाई दे रहा है जो ना नीचे चिप, तो मेथड इसकी हम बात थोड़ा, ये कैसे करेंगे x का मान निकालो, कितना आया x का मान तीन आया, क्या करेंगे नंबर लाइन पर बैठाएंगे, जानते हो ये तीन पे क्या है अस्थिर हो गया, तीन पे क्या है अस्थिर हो गया, अस्थिर करने को तो समझ लो मूल बिंदु पे पहुंच गया। चलिए ये कितना, ये क्या है दोस्त दूरी है, ये क्या है दूरी है, कितना दूरी चलना है दो दूरी चलना है, कितना दूरी चलना है दो दूरी। अभी आप कहां पे हो, अभी हम कोई पूछेगा कहां पे है, मेरा कोऑर्डिनेट तीन पे है, कितना पे तीन पे है, कितना दूरी चलना है
दो चलना है तो किधर चलोगे, ये डेन रखोगे तो दो यहां चलेगा या किधर चलेगा, इधर चलेगा, यही चल सकते हो। तो देख लेते जब यहां पे करेंगे तो कितना कहां पर किस कोऑर्डिनेट पर पहुंचे और जब यहां आएंगे तब किस कोऑर्डिनेट पर पहुंचे। तो चलिए हम लोग दो दूरी चलते हैं, कितना दूरी, दो दूरी, चलो दो इसमें ऐड करो, कितना हो गया तीन प्लस दो, कितना हो गया पांच, कितना आ गया पांच। अब हम लोग देख लीजिए या तो इधर मेरा पास चलने का औकात है या तो इधर चलने का, लेकिन कितना कदम बढ़ाओगे, इतना दो कदम बढ़ाओगे। तो इधर अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो इधर जो कदम बढ़ाओगे वो कितना लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो गया नेगेटिव। तो बोलो पहले से किस कोऑर्डिनेट पर था, तीन पे था, चला कितना माइनस दो, तो कितने हो गया तीन माइनस दो, कितने हो गया वन, मतलब एक। और कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ये आपके पास दिया हो दो दूरी चलना हो तो कहां कहां जा सकते हो, आपके पास पांच पर जाओगे या नहीं तो एक पर आओगे, या तो पांच पे जाओगे या तो एक पे आओगे, क्या यही आंसर लाए थे। हाँ देखो अगला ये देखिए ये वाला सेम है कि नहीं, है ना। अब इसी का यूज हम इनक्वालिटी में करेंगे, इनक्वालिटी में तब बड़ा मजा आएगा। अभी तो इसमें कंसेप्ट हम इनक्वालिटी लगा देंगे, इसी में अगर ये रहता ना दोस्त, ये अगर रहता ये कंसेप्ट मजा आ जाता यार। इस क्वेश्चन को देख के कहोगे यार सर इतना अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही मजा आ जाएगा ज्योमेट्रिकल मेथड में इनक्वालिटी में। चलिए अब हम लोग तीसरा मेथड की बात करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर इनक्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये कहां के लिए, ये तो भाई साधारण है, ये चलिए तीसरा कहां के लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। और आपको पता होना चाहिए जेईएम जो क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर क्या पूछता है, आपको एक्स का मान नहीं है, सिंपल सी कहेगा कि आपके पास क्या कहेगा कितना सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन कितना होगा, ये चीज सोल्यूशन कितना होगा, तो ये चीज सबसे बेहतर ये बनाएगा, सबसे ज्यादा अच्छा ये चीज बताएगा। चलिए तो हम देख लेते ग्राफ दोस्त, ग्राफ से पहले हम सोल्यूशन में थोड़ा रफ में हम थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं, हम थोड़ा मिटा देंगे, रफ में दिखाना चाहते हैं कि दोस्त क्या होता है, हम नहीं समझ में आ रहा सर ग्राफिकल मेथड हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सोल्यूशन कैसे देखेंगे। चलिए आप टेंथ में पढ़े हैं, ये क्या है मार्कर, नहीं हम मान लेते हैं ये दो स्ट्रेट लाइन है, क्या मान लेते हैं दो स्ट्रेट लाइन है, और दो स्ट्रेट लाइन क्या क्या कर सकता है ये दो स्ट्रेट लाइन, हम एक मिनट प्लीज, हम थ्री डी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम टू डी लाइन की बात कर रहे हैं, कौन सा लाइन की बात करें, टू डी लाइन की बात करें, और टू डी लाइन वाली को टेंथ में पढ़ना है, आप ट्वेल्थ में आइएगा तो थ्री डी लाइन है जिसको आगे चल करके ना ये टच करता है ना ये कट करता है ना ये पैरेलल होता है, एसक्यू जिसको बोलते हैं एसक्यू, तो वो हम उसकी हम निगलेक्ट करके चलते हैं, हम अभी दो लाइन की बात कर रहे हैं। ये अच्छा दोनों मार्कर क्या कर सकता है, क्या कर सकता है सर, एक प्लेन में है, एक प्लेन में है तो दोनों या तो ये हो सकता है, ओ सब जगह दूरी समान हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट से दूरी समान हो रहा है, एकरा जो है ना एकरा एकरा बोलते हैं पैरेलल, और हिंदी में बोलते हैं समानता, एकरो कंडीशन होता है, आप पढ़े मिलेगा टेंथ में क्या कंडीशन होता है। अब क्या कर सकता है, अब क्या कर सकता है, दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए, पहले दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए पलटा पलटी, मतलब कितनी जगह कट करने लगा, अनगिनत जगह, देखो एक यहां 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 यहां, तो ये हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं संपाति बोलते हैं, शायद हिंदी में संपाति ही बोलते हैं, संपाति बोलते हैं। और एक क्या हो सकता है, ये क्या हुआ एक जगह कट करना, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद, कितना तरीका हो गया तीन तरीका हो गया। ये सब हम जानते हैं, हमको हल चाहिए, हल 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 मतलब सोल्यूशन चाहिए। देखो दोस्तों बोलो ये कितना सोल्यूशन, एक को बना कहला, क्योंकि दूर दूर तक एक टचिंग नहीं है, ये सिंपल सी ग्राफ से देखना है ना, हल देखना है ना, जितना जगह टच करे उतना ओकर सोल्यूशन, जितना जगह टच करे उतना ओकर, क्या इसमें टच कर रहा है नहीं, तो ये क्या होगा समानता, ये क्या होगा समांतर, और समांतर में क्या होता नो सोल्यूशन लिख देते, क्यों लिखते, क्योंकि यार ये कोई टच ही नहीं करता, ये जो हल जो बतलाता है वो ग्राफिकल मेथड बतलाता है। अब बतलाओ कितना सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन सर बहुत जगह कट कर रहा है, एक दो तीन चार पांच सर अनगिनत जगह कट कर रहा है, कितना जगह अनगिनत जगह कट कर रहा है, मतलब इसका संपाति में कितना सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं। अब कितना सोल्यूशन, एक सोल्यूशन। चलिए अब हम लोग थोड़ा रफ वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा हम नहीं बतला सकते अगले, देखो बताते हैं हम कोई भी कुछ ले लेते हैं, ये क्या है सर मान लेते हैं एफ एक्स, ये क्या मान लेते हैं एफ एक्स, एक और मान लेते हैं ये क्या है जी एक्स, बोलो दोस्त कितना सोल्यूशन, कितना हल, कितना हल
सर वही ना बोले कि जितना जगह दोनों मिले जितना पॉइंट पे मिले, तो देख रहे चलिए यहां से देख लेते हैं, ये भी नहीं मिल रहा नहीं मिले, सर यहां मिल गया। ओ मतलब एक हल का यहां, दूसरा हल का सर यहां मिला। ये तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस थोड़ी देखते हैं। अरे ये दोनों ग्राफ की हम बात करें, ये दोनों ग्राफ कहां कहां कट करेगा, तो कहां कट किया, एक जगह यहां कट किया, मतलब दूसरा सोल्यूशन यहां, मतलब क्या है सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, मतलब आपके पास ग्राफ में वही खोजना है कि कहां कहां कट कर रहा है, वही मेरा सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, इसके लिए आपके पास फिर से कह रहे हैं फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देख लीजिए हम जिस तरह दो लाइन देखते हैं, दोनों लाइन का देखते थे जितना जगह कट करता था, दोनों लाइन थोड़ा अच्छा साफ कर लेते हैं इसको। चलिए देख लीजिए इधर, ये क्या है, हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, ये भी मान लेते हैं फंक्शन है। चलिए तो हम इसको क्या मानते हैं, एफ एक्स मान सकते हैं, या क्या मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, वाई बराबर एफ एक्स। ये कहने का मतलब हुआ कि वाई बराबर एक्स करने का मतलब समझ रहे हैं कि एफ का जो फंक्शन है, एफ का जो एक्स का जो फंक्शन है, ये वाई के वाई से डिनोट करते हैं। चलिए यहां से मैं बात कर लेते हैं, तो इसको हमको एगो ग्राम एगो डायग्राम ये हो गया, एगो डायग्राम ये हो गया, एगो ग्राफ ये हो गया, एगो ग्राफ ये हो गया, और दोनों ग्राफ हम जानते हो, दोनों ग्राफ तुम जानते हो। अब दोनों ग्राफ को देखेंगे बनाएंगे, और जितना जगह कट किया वही मेरा सोल्यूशन हो गया। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं, तो ये हम y बराबर क्या मान लेते हैं, x माइनस थ्री का मॉड। दोस्त अभी पढ़ाए, अभी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए, क्या पढ़ाए, सबसे पहले x का मान निकालो, नंबर लाइन पे बैठाओ और फाड़ा दो। सर इसको तो हम एक सेकेंड, क्या जब तक आप बोलिएगा उससे पहले हम बना देंगे। चलिए तो ये बना दीजिएगा, तो ये बना दीजिएगा, ये भी बना दीजिएगा, ये क्या है, ये क्या है, अत्यंत में ही पढ़े हुएगा, ये क्या है, और इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं क्या है कि y बराबर कहीं पर आ जाए प्लस माइनस के, तो क्या होता है, ये होता है x एक्सिस का पैरलर, x एक्सिस का समांतर लाइन का इक्वेशन। ओ मतलब ये वाला ना, ये वाला, हाँ y बराबर टू, ये हो गया y बराबर, ये पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ये क्या हो गया y बराबर माइनस टू, ये हो गया। और बतला दिए थे कि x बराबर अगर कहीं पर प्लस माइनस किया जाए, ये होता है y एक्सिस का समांतर, अगर इधर का ही आ जाएगा तो माइनस, और इधर का ही आ जाएगा तो प्लस, ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम डिवीजन करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, दोनों डायग्राम को बनाओ, जितना जगह कट किया उतना उसका सोल्यूशन होगा। तो कभी पूछता पता है, कभी कभी क्या पूछ देता, सीधे कहता कितना हल होगा, तो उन्हें निकालने नहीं जाएंगे, निकालने नहीं, सीधे डायग्राम बैठाओ, सीधे देख लोगा कितना जगह। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें टफ भी क्वेश्चन बनता है, धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि अब हम अभी सिर्फ टू सिर्फ लिनियर की बात कर रहे हैं, इसमें हम ट्रिकोनोमेट्री लगाएंगे, बहुत सारा चीज लगाएंगे अभी। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं इसका डायग्राम, अब हम इतना नहीं बताने जाएंगे क्योंकि ये पढ़ा चुके हुए हैं। तो क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते, बोले एक्स का मान कितना आया, तीन, एक्स का मान तीन आया, कहां पर बैठाएंगे, नंबर लाइन पे। थोड़ा इसका डायग्राम थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया, ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, एक्स बराबर तीन, आप सब आदमी जानते हैं, यहां आ गया। और क्या करते हैं, पहला स्टेप एक्स का मान निकालो, दूसरा स्टेप नंबर लाइन पे बैठाओ, तीसरा स्टेप फहराओ, बन करके तैयार हो गया, क्या बन के तैयार हो गया, वाई बराबर मोड एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बन के तैयार हो गया। चलिए थ्री का ग्राफ बन के तैयार हो गया, तो फिर हम देख लेते हैं, आपको पहले से ही पता हो इसका नाम क्या है। अब देखो ब्रेकिंग करने आना चाहिए, क्या है ब्रेकिंग करना, तीन से बढ़कर डालो, तीन से बढ़कर डालो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्ट निकाल देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्ट निकाल देंगे, तीन से छोटा, तीन से छोटा क्या है नेगेटिव आएगा, देख लो डाल दो, ये बहुत बार बता चुके हैं, क्या आएगा वाई बराबर आ जाएगा नेगेटिव, देखो दो डालो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो एक और माइनस लगा देंगे। चलिए फिट हो गया, ये क्या फिट हो गया, y बराबर एक्स माइनस थ्री एकदम पूरा कंप्लीट फिट हो गया मॉड का। अब हम लोग टू का y बराबर टू, y बराबर टू सर ठीक है, लेकिन ये तो y बराबर टू नीचे तो आएगा नहीं, नीचे तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि y बराबर टू पॉजिटिव है, सर कहां ले जाए, ये इसके भीतर ही आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, हमको तो पता नहीं चलता, हो सकता है यहीं पर जाए, हो सकता है ऊपर से भी आए, हम कैसे कहेंगे कि नीचे से आएगा या ऊपर से, कोई बात नहीं दोस्त, देख लो ये क्या है। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट तो बदला सकते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ये कौन है, ये क्या है वाई एक्सिस,
और आप सभी आदमी जानते हैं वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो भाई जीरो डालो, उसमें जीरो डालोगे तो जीरो माइनस तीन और आ गया कितना माइनस तीन, और माइनस तीन का मॉड कितना होता है तीन होता है। आपको पता चल गया होगा, अब तो पता चल जाएगा ना कि एकरा से ऊपर होगा या नीचे, एकरा से नीचे या ऊपर, नीचे। क्यों सर, तीन है और दो है तो दो नीचे होगा और तीन ऊपर होगा तो दो नीचे होगा, मतलब ये डायग्राम पूरा एकदम देखो यही दो सोल्यूशन है, यही दो सोल्यूशन है, एक हो गया ये और ये हो गया, यही दो सोल्यूशन है आया भी सर। लेकिन एक चीज नहीं आया कि जैसे एक्स का मान निकाले हैं वो कहां है, अब तो सीधे बतला दिए दो सोल्यूशन है। तो देखो दोस्तों अभी हम ये बतलाएंगे, लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में चार ऑप्शन, देखो यहां से कैसे ट्रिक लगा देंगे, जब ये चार ऑप्शन पूछा ना तो ऑप्शन में क्या है ये तो समझ गया कि एक हल होगा तीन से बढ़ का और एक हल होगा तीन से छोटका। तो चार को जब ये ऑप्शन आए और वही में देख लो तीन से बढ़ का चार से कितना तो ऐसे ही बढ़ देगा, तो कहता है जो टॉपर जो होता है ऐसे बढ़ता है, वो नहीं कि पूरा कैलकुलेट करना चाहिए, वो नहीं करने जाएगा कैलकुलेट, क्योंकि वो मालूम है ये तरीका, ये मालूम है कि अगर कैलकुलेट करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन अगर चार वो ऑप्शन इसमें बना दे, चार वो ऑप्शन एक तरीका से आप इस दो तरीका से पूछता है इस क्वेश्चन को, सीधे कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन और एक कहेगा एक्स का मान निकालना, तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो सीधे सबसे अच्छा तरीका ये। हाँ ये प्रथम बार बना देगा दोस्त, ये थोड़ा क्या लगेगा थोड़ा टफ लगेगा। हाँ एक बार ग्राफ वाला प्लेटफॉर्म पे आ गया तो फिर तुम भूल जाओगे कि ऐसे सब मेथड पॉसिबल है सर, जितना चिस्की चिस्की पक्को डीलो खेल लेते हैं, ये क्या है पक्को डीलो है रे, देख रहे ग्राफ, तो पक्को डीलो खेलो बच जाएगा। तो चलो देख लेते यहां से एक आगे ये सोल्यूशन, एक आगे ये सोल्यूशन, अगर इसके पास नंबर ऑफ सोल्यूशन का था डायरेक्ट बोल देते दो, अगर ऑप्शन में आता मान के चलो ऑप्शन ये है, क्या है ऑप्शन में रहता, क्या ऑप्शन में रहता, ये रहता ऑप्शन में, ये मान लिया जाए पांच और चार तो वो हल पांच और चार, क्या ये होता नहीं होता सर, क्यों क्योंकि देख रहे हैं कि या तो एक्स का मान एगो तीन से बड़का होगा एगो तीन से छोटका होगा, ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया बी ऑप्शन। हम बात कर लेंगे तीन से तो बड़ा चाहिए, एक आ गया सी, ये आ गया आपके पास कितना जो मेरे पास पांच और एक, और डी None of these. और तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीन से बड़का है एगो, एगो किससे है एक से छोटा, ये आ जाएगा सर। ये तो समझ गया है, इससे भी आप सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन आप एक्स का मान ऐसे निकाल के दिखाइए कोई दिक्कत, निकाल के दिखा देंगे। चलिए तो इसके निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक का इक्वेशन और एक का इक्वेशन, अरे यार दो इक्वेशन दो अननोन, दो चर वाले रैखिक समीकरण, एगो इक्वेशन का नाम क्या था y बराबर टू, एगो इक्वेशन का नाम क्या था y बराबर x माइनस थ्री, क्या तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो यार, तो यही तो है इसको सॉल्व करोगे यही तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला, यही तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला, जैसे ये बराबर कर लेते हैं ये भी क्या इसका नाम दो सॉरी सॉरी ये क्या है इसका नाम क्या है y बराबर माइनस एक्स प्लस थ्री, और इसका नाम क्या है y बराबर टू, दोनों को सॉल्व करो आराम से बन जाएगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं, तो हम सॉल्व कर ही दे रहे हैं कही दे रहे हैं, इसको हम खत्म करेंगे पूरा कितना चलो। तो इसको सोल्व कर दे रहे हैं हम, इसको क्या मान ले ए पॉइंट मान ले, हाँ बी पॉइंट मान लेते हैं, तो पॉइंट ए मानते हैं, पॉइंट ए निकालना है, देखो पॉइंट ए निकालना है तो देखो पॉइंट ए निकालना है, और पॉइंट ए कैसे निकालेंगे सो बतला दे रहे, देख लो ए पॉइंट ए निकाल कोई भी पॉइंट निकालेंगे तो हमको दो चीज दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन बोलो कौन है एक का नाम बोलो तो सर इसका नाम ये है सर वाई बराबर माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस थ्री, सर इसका नाम हो गया वाई बराबर माइनस एक्स और प्लस थ्री, और कौन कौन एकर के कर मिलान बिंदु है ओ ई वाला लाइन और ई वाला लाइन, ई लाइन का क्या नाम है वो ये तो तुम टेंथ में पढ़ा होगा दो चार वाले रैखिक समीकरण, बहुत सारा तरीका आपके पास है, बहुत सारा तरीका है तो आप निकाल सकते हैं, इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन बोलते हैं, तो प्रतिस्थापन क्या कर दो का मान इसमें डालो एक का मान निकल जाएगा तो पुट, अब ये हम नहीं सॉल्व करेंगे ये तुम कर लेना, देख लो थोड़ा जल्दी सॉल्व कैसे भी सॉल्व करें तुम्हारा प्रॉब्लम है, चार पांच मेथड है तुम सॉल्व करो
चलो y बराबर 2 डाल, तो 2 डालोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स, कितना आ गया माइनस 1 बराबर माइनस एक्स, एक्स का मान कितना आ गया 1, ये वो x का मान 1 आया था, आया था x का मान 1, एक बार x का मान क्या आया, ये वो x का मान 1 आ गया, क्या आ गया x का मान 1, ये वो सब पॉइंट का, ये वो पॉइंट ये बना से, ये वो पॉइंट ये बना से, तो ये किसका किसका है देख लो थोड़ा, ये भी वही बात है, ये लाइन का नाम क्या है, ये लाइन का नाम y बराबर x माइनस 3 और किसका किसका इंटरसेक्शन है y बराबर 2 का, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, दोनों को सॉल्व करो दोस्त, आएगा x बराबर 5 आएगा, सॉल्व करो, दो रखो इसमें, पुट करो इसमें, पुट y बराबर 2 इन इक्वेशन, आप तुम लोग कर सकते हो इक्वेशन 1 कर लो, 2 x माइनस 3 यहां से कितना आया x का मान 5, तो देखा सॉल्व कर, तो ये मेरा सेकेंड लेक्चर था, ये वाला डायग्राम थोड़ा दिखा देते हैं तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि ये वाला हम आपको दिखाते कि कैसे इसका हल नहीं है, आप अगर इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो आप वही गलती करते प्लस माइनस वही गलती करते, आपको गलती नहीं पकड़ा था दोस्तों, इसमें गलती नहीं पकड़ा था, आप जानते हैं प्लस माइनस क्यों करेंगे, ये वाला सर ये वाला कैसे इसमें गलती कैसे पकड़ा था, पहला बात तो ये तुम चला है ये दू चला है, कभी भी आज तक धूरी नेगेटिव हुआ है तू कथी ला रहा है नेगेटिव, तो इसमें तो थोड़ा बहुत पकड़ा था, ये भी नहीं पकड़ा, ये भी बहुत कम चांस है पकड़ने का, ये भी बहुत कम चांस है, लेकिन ये तो आपको सीधे ये क्या है झलक बताता, आंखों देखा हाल बतलाता है, एकदम आंखों देखा हाल ये यही बतलाता है, रियल में यही बतलाता है, तो आंखों देखा हाल इसको हम फर्स्ट मेथड नहीं बतलाएंगे, सेकेंड मेथड नहीं बतलाएंगे, इसका हम डायरेक्ट थर्ड मेथड बतला करके और दोनों में हम डिफरेंस बतला देंगे कि देखो अपने अपने जगह पर सब मेथड अपने अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बस जल्दी से एक मिनट और, ये हो गया, तो वही काम इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, दोनों को देखो कितना जगह पर कट कर रहा है उतना मेरा हल होगा, चलिए ये वाला देख लेते हैं, दूसरा का सोल्व कर रहे हैं, देख लो इधर का थोड़ा ध्यान दे, नहीं तो उड़ गया तो फिर अपर कट चला जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा, नहीं समझ में आएगा और फिर दोबारा फिर कभी भी समझ में नहीं आने वाला है, चलिए तो ये वाला देख लो सर, इसका ग्राफ मत बतलाइए, इसका ग्राफ तुमको बतलाते बताते हम थकते हुए, इसका ग्राफ तुम डायरेक्ट बतला देंगे, तो इसका भी जानते हो, बोलो y बराबर प्लस माइनस की, y बराबर प्लस माइनस की, तो क्या हो जाएगा x एक्सिस का पैरेलल, x एक्सिस का पैरेलल मतलब यही ना, किधर ऊपर या नीचे, तो नीचे, तो देख लीजिए इसका डायग्राम बनाइए, इसका डायग्राम बनाओ जल्दी समझ में आ गए, दोनों का डायग्राम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, कितना आया 3 आया, क्या करते हैं नंबर लाइन पे बैठाते हैं, दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप बाहर आ देते हैं, सर बन के तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया, देख लीजिए बनकर, इसका नाम थोड़ा बदला सकते हैं, हाँ सर बदला सकते हैं, इसका नाम हो गया x माइनस 3, इसका नाम हो गया आपके पास नेगेटिव आने के कारण ये पहले ही बदला चुके हैं x माइनस 3, और अब दूसरा बदलाव y बराबर माइनस 2 कहां जाएगा, y बराबर माइनस 2 कहां जाएगा, y बराबर माइनस 2 सर x एक्सिस के नीचे जाएगा, हाँ देखो ये चीज ये आ गया, आपको समझ में आ गया, बोलो ये दोनों कहां कहां मिलता है, ये दोनों कहां कहां मिलता, कहीं नहीं मिलता, जैसे तू पैरेलल टेंथ में पढ़ा होगा कि कहीं नहीं मिलता है, ओकर इको को सॉल्यूशन नहीं, ये ग्राफिकल मेथड को बताता है, देखो ना ये देखो कहीं पर कट कर रहा, दूर दूर तक कट कर रहा है, न कट कर रहा तो कितना सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, तो ये अगर ऑप्शन में रहता चार ऑप्शन दे देता सीधे दिखता नो सोल्यूशन, ये फंसाने के लिए दे सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है, देखो छोटा किया उसी पर सब तरह का बदला दिया, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ और हमको आगे लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को बतलाएंगे, तब तक के लिए बाय।